शांति। आज 21 जून 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की साकार मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, देवताओं से भी ऊंच ये तुम्हारी ब्राह्मण जीवन है। किससे ऊंच है? क्यों? आप ब्राह्मण उन देवताओं से भी ऊंच हो जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। क्योंकि इस समय तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते, तीनों लोकों और तीनों कालों को जानते हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, वो देवता कुछ नहीं जानते। वो देवता कुछ नहीं जानते। नारायण तीनों लोकों को नहीं जानता, तीनों कालों को नहीं जानता, तो टॉप है श्री कृष्ण नहीं जानता, बाकी देवताओं की तो बात ही खत्म हो गई। 33 करोड़ के 33 करोड़ देवी देवता आप ब्राह्मणों के आगे कुछ, उनसे भी तो ऊंचो। प्रश्न, तुम बच्चे अभी कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? तुम बच्चे अब कौन सी ऊंची चढ़ाई चढ़ते हो? पद तो चढ़ाई चढ़ोगे तो मिलेगा ना, चढ़ाई कौन सी चढ़ते हो? वो चढ़ाई चढ़ेंगे तो उच्च पद मिलेगा ना। इस सत्युग में तो जाओगे तभी जब आप चढ़ाई चढ़ोगे। आप फर्स्ट डिवीजन में आओगे तब जब पढ़ाई पढ़ोगे। खाली पढ़ने से भी नहीं होता, प्रैक्टिकल अपने जीवन में लाओगे। चरित्र वाहन बनोगे, करैक्टर को टॉप पे लाओगे। पढ़ाई पढ़ने से तो ना होगा नहीं ना, जान तो लिया परंतु अपने जीवन में धारण नहीं किया तो क्या मिलेगा? प्रैक्टिकल भी चाहिए, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी करेंगे। है नहीं, डॉक्टर बनना है तो पूरी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। मनुष्य से देवता बनना ये ऊंची चढ़ाई है जिस पर तुम चढ़ रहे हो। कहते भी हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना। क्योंकि देवताओं में और हमारे में क्या अंतर है ये जानना बहुत जरूरी है। वो जानने के बाद वो कमियों को दूर करना भी जरूरी है। ये बहुत लंबी चाड़ी है, ये बहुत लंबी चाड़ी है, लेकिन वंदर है जो चढ़ते 1 सेकंड में हो और उतरने में टाइम लगता है। 5000 साल तो नहीं लगते उतरने में। हाँ, 4999 साल ज्यादा से ज्यादा। तो ये एक का
4999 साल तो गिरने में लगेंगे, एक साल तो गिनती में नहीं आता ना, परम धाम में रहना। कहने में आते होंगे परंतु हिसाब तो हिसाब है ना, कोई तो एक सेकंड एक साल के बाद नीचे उतर आएगा, कोई तो एक साल में नीचे उतरेगा, कि 10 साल में, 20 साल में, 100 साल में, 1000 साल में। प्रश्न, पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है। पाप का घड़ा फूटने से ही जय जयकार होती है, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में, इसकी कौन सी निशानी भक्ति मार्ग में है? दिखाते हैं, कौन निकला घड़े से? घड़े से कौन निकला था? हाँ, कौन निकला था? रामचंद्र को ही नहीं पता तो कोई नहीं बता सकता। फिर भाई सीता निकली थी। घड़े से नहीं निकली थी? ऐसा है कि रावण ने ऋषियों को मार मार के उनका खून निकाला सारा। हाँ, तो मैं कौन सा कुछ और थोड़ा बोल रहा हूँ, है नहीं? और उसके बाद उसे खेत में दबा दिया। और फिर जनक जो है हल बहा रहा था, तो खेत में से मटका, वो हल से जो ना मटका फूट गया, तो सीता निकल आई। वो था पाप का घड़ा, जब भर गया तो सीता का जन्म हुआ। लाइन समझ में आई है? अब ये कौन समझाए उनको जाकर कि ऐसे खून के घड़े से सीता निकल सकती है क्या? वे खून का घड़ा भर के, मान लो आपने एक ही व्यक्ति का सारा खून निकाल के, सारों का तो नहीं निकाला हो, सारों का खून तो अलग अलग ग्रुप का होगा, आप मटका को दबा दो, 6 महीने, साल, 10 साल तक दबा के रखो, बालक ना पैदा हो उससे। ऐसे गपोड़ कहानियां लिख के रामायण लिख दी और सारी दुनिया इतनी मूर्ख बन के उसके पीछे चल पड़ी। मैं भी उसमें था, चल पड़ी। यस, नहीं हो सकता। संकल्प करेंगे आप सतयुग के अंदर जाकर के, आपके संकल्प में ताकत आएगी तब जब आपने 60-70 साल वीर्य को अपने में कंट्रोल किया होगा। और वीर्य जब ओज बन जाता है, जिसको हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया, ओज। ओज के लिए मैंने स्टडी किया, जैसे उसको समझेंगे कि ओज जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये कितना भी बढ़ जाए इसका कोई नुकसान नहीं। बाकी तो शरीर में कोई भी चीज फालतू हो जाए तो उसका नुकसान है, परंतु इसका कोई नुकसान नहीं। और ये जितना बढ़ेगा उतना हमारे रक्त में ताकत, उतना हमारे मांसपेशियों में ताकत, उतना हमारे हड्डियों में ताकत, उतना हमारे जो है ना इम्यून सिस्टम, जो सबसे बड़ी चीज है हमारा इम्यून सिस्टम, उसमें ताकत, आंखों में ताकत, नूर आ जाएगा। आप सब चर्चा की, जितना भी बढ़े तब आप संकल्प करेंगे तो आंखों में नूर तो है जिससे, पर तो आप संकल्प करेंगे मुझे बच्चा पैदा करना है, सृष्टि की रचना करनी है, तो वो निकलेगा, अदरवाइज नहीं। ये नहीं कि 60 साल आ गए, 70 साल हो गए, पर तो उसके बाद भी संकल्प नहीं करेंगे, 80 साल हो जाए। विकार में जाते हैं, पहले संकल्प होता है तभी तो विकार में जाते हैं।
परंतु मटके में तो कोई है ही नहीं। मटके में तो खून भर के डाला था, वो तो उनको तो कोई मतलब कोई कोई किसी ने कोई संकल्प नहीं ना उसका। रावण ने मान लो दबाया है तो रावण ने यह संकल्प तो नहीं किया कि मेरा विनाश हो, वो ये संकल्प तो नहीं करेगा सीता पैदा हो जाए, लड़की पैदा हो जाए। उसने तो इसलिए दबा दिया कि इनका कोई वंश ही ना रहे, इनका कोई नाम निशान ही ना रहे। बाकी दबाने के मटका भर के दबाने से दो दो चार पांच मार दो से मटका भर जाएगा। उसने तो कितने राक्षसों को मारा था, कितना बड़ा मटका लिया होगा, क्या किया होगा, ये सिर्फ वपोड़े। अर्थात जब पाप का घड़ा भर कर फूटा तब सीता, और दूसरा राधे का जन्म हुआ। सीता या राधे को एक कर दिया, क्योंकि क्योंकि रामायण भी उसी टाइम लिखी गई और महाभारत भी उसी टाइम लिखी गई, दोनों किताबें एक साथ लिखी गई। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल ओम शन। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना भक्ति मार्ग का, पुकारते हैं कि इस पति दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो, अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। बुद्धि में बैठा है कोई और दुनिया है जहां शांति भी थी सुख भी थी, महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी यहाँ है। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वे तो जैसे क्वार्टर दुनिया की है। क्वार्टर को कौन जानता है, क्वार्टर सुना है कभी, शराबी बता सकते हैं कोई, तो अद्धा होता है, क्वार्टर तो नहीं होता। पौवा, पौवा को बोलते हैं क्वार्टर अंग्रेजी में, क्या क्या नहीं शाहजाद बता सकते। बाबा बतावे हमसे पूछे, हम शराब पीते नहीं, है नहीं। क्वार्टर हाफ फुल हिंदी में बोलते हैं, पूरा बोतल अद्धा और पौवा। अब क्वार्टर का मतलब क्या होता है, चौथा हिस्सा। जो दुनिया वाले इतिहास जानते हैं वो चौथाई हिस्सा जानते हैं। आज फिर इसे दिमाग में चल रहा था, ये दुनिया के सारे डॉक्टर अंधे, सारे के सारे डॉक्टर अंधे, इन्हें मालूम ही नहीं है ये क्या इलाज करेंगे। बेड़ा गर्क, हाँ जी, वैसा नहीं बेचारे, उनके पास जो ज्ञान है वो तमो प्रधान शरीर का ज्ञान है, सत्व प्रधान शरीर का तो ज्ञान उनके पास है ही नहीं। उनको जो पढ़ाने वाले, उन्होंने तमो प्रधान शरीर को चीर फाड़ करके बताया कि ये है, इसमें ये कमी है, इसको ये ठीक कर दो। सत्युग के शरीर के बारे में तो उनको पता ही नहीं है, उन्होंने शरीर बिचारों ने देखा ही नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है, हम उनको कोई दोष नहीं दे सकते। उन बिचारों के पास ज्ञान ही तमो प्रधान शरीर को ठीक करने का है, तमो प्रधान शरीर को बनाने का है, उनको तो सत्व प्रधान शरीर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमें ही नहीं पता था, उनको क्या पता बेचारे, उनको पढ़ा ही तमो प्रधान शरीर का ज्ञान गया है, चौथा हिस्सा है तो ज्ञान है सारा दुनिया में। अब क्या वंडरफुल बात बता रहे हैं ना, मैं इसलिए रुक गया था, इस वजह से यही दिमाग में चल रहा था कि ये बेचारे डॉक्टर अंधे, इनको समझाने वाले अंधे, अंधी दुनिया का अंधे ही तो इलाज करेंगे।
सतयुग त्रेता का तो किसी को पता भी नहीं है, आंखें ही बंद हैं, जैसे काने हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते तो है, जानते ही नहीं। वर्ल्ड कितना बड़ा है, कब नई वर्ल्ड शुरू हुई और फिर पुरानी होती है। इतिहास भूगोल में साइंस भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, कुछ भी दुनिया वाले नहीं जानते, सिर्फ चौथाई हिस्सा जानते। नई से पुरानी कैसे होती है, पुरानी से कब नई बनती है, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, बनेगी तो जरूर ना। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में आना ही आना है। कलयुग के बाद सतयुग फिर जरूर होगा। संगम पर सतयुग स्थापन करने वाला आएगा, ये समझाने की बड़ी युक्तियां। कलयुग को सतयुग बनाने वाला बाप ही है। इतनी सहज बातें भी किसकी बुद्धि में नहीं आती, कोई और बना ही नहीं सकता सिवाय बाप के, क्योंकि बुद्धि को माया का, सबकी बुद्धि को माया का ताला लगा हुआ है। चाहे वो संत हो, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे विद्वान हो, चाहे शैतान हो, कोई भी हो, सबकी बुद्धि को किसका ताला लगा हुआ है? माया। क्या होता है ये माया का ताला? माया किसे कहते हैं? अज्ञानता को, अभाव को, जो हमारे जीवन से चला गया, उसकी जगह पर अज्ञानता आ गई, उसे कहते हैं माया। तो सारे डॉक्टर क्या हो गए? अज्ञानी। सारे ऋषि मुनि संत पंडित विद्वान सारे अज्ञानी। अब वो सच्चा रास्ता दिखाए तो कहां से दिखाए? ये पढ़ाई बाबा कहां से पढ़ के आया? पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, बताएगा कैसे? परमपिता परमात्मा बुद्धिवानों की बुद्धि आप हो, बुद्धिहीन को आप बुद्धि दो, और अब आसुरी मत देने वाले हैं। और सारी दुनिया क्या है? आसुरी मत। ऐसे कोई पढ़ा सकता है? श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चों को अभी तीन लोकों का ज्ञान है, ऐसे नहीं कि सिर्फ वर्ल्ड का ज्ञान है। तुम्हें संसार का ही नहीं बल्कि तीनों लोकों का ज्ञान है। वर्ल्ड से भी आगे तुम जानते हो, इस संसार से भी आगे तुम जानते हो। मूल वतन के बारे में, सूक्ष्म वतन के बारे में, स्थूल वतन के बारे में, ये तीनों लोकों का बुद्धि में ज्ञान है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों की बुद्धि में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, जो अच्छी रीति ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, उन्हों की बुद्धि में क्या ज्ञान होगा? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो पढ़ाई पूरी रीति बुद्धि में रहनी चाहिए। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो, तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। तुमको त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। त्रिलोकीनाथ कोई बनता नहीं है, त्रिकालदर्शी अक्षर ठीक है। तुम त्रिलोकीनाथ कोई भी नहीं हो, ना हम त्रिलोकीनाथ हैं, ना कृष्ण त्रिलोकीनाथ है, ना कोई देवी देवता त्रिलोकीनाथ है, तो हम नहीं तो कोई नहीं, सिद्धि बात खत्म। हम तीनों लोकों को जानते हैं परंतु उनके मालिक नहीं है। जानने का मतलब मालिक नहीं होता। हम परम धाम में जाते हैं परंतु हम उसके मालिक नहीं है। हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं परंतु उसके मालिक नहीं है। तीन लोक तीन काल को तुम जानते हो बरोबर। हम मूल वतन में रहते हैं, हम आत्माएं वहां की निवासी हैं।
ये ज्ञान और किसकी बुद्धि में नहीं है, ये तुम जानते हो। गाते तो हैं, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर, परंतु वो घर कहाँ है? वो ब्रह्म लोक, मुक्ति धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम कहाँ है? पता ही नहीं। हम वहां रहते थे तो कैसे रहते थे? पता नहीं। परम पिता, परम आत्मा, त्रिकाल दर्शी है, आदि मध्य अंत तीनों कालों को और तीनों लोकों को जानते हैं। लक्ष्मी नारायण को वैकुंठ नाथ कह सकते हैं, परंतु त्रिलोकी नाथ नहीं कह सकते। वैकुंठ नाथ कह सकते हैं, स्वर्ग का मालिक कह सकते हैं, परंतु तीनों लोकों का मालिक नहीं। वे हैवन व स्वर्ग के मालिक है, बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते। शिव बाबा को स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग का रचयिता कह सकते हैं, मालिक नहीं। रचयिता है परंतु वहां जाता नहीं, क्योंकि वो रचता नहीं, वो रचने का तरीका बता के जिनको जाना हो तो रच लो अपने लिए, जैसा बनाना हो वैसा बना लो अपने लिए, बता देते। हाँ, जो करेगा मेहनत, जैसा बनाएगा स्वर्ग वैसा पाएगा। वो बनाता नहीं, जाता नहीं, मेहनत नहीं करता ना। हाँ, सिर्फ समझाता है, मेहनत करे ना, हाथ चलावे, ईंट रख के देखे तो पता लगे। बाप को पैराडाइज का मालिक नहीं कह सकते तो ये भी समझने की बातें हैं। परमात्मा जैसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता, कहते भी हैं परमात्मा जानी जाननहार, नॉलेज फुल है, परंतु अर्थ नहीं जानते। समझते हैं जानी जाननहार है तो सभी के दिलों को जानते होंगे, सर्वव्यापी कह गलानी कर देते हैं, वो सब कुछ जानता है। कहता मैं नहीं जानता, कहते नहीं आप जानते हो, जबरदस्ती चेप है। नहीं जानता। हाँ, बाबा कहते मैं इन जनरल जानता हूं, जो गंदे होते हैं ऐसे सोचते हैं, अच्छे होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, तो मैं ये नहीं जानता कि रतन के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं यदि एक एक के दिमाग में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, मैं ये बैठ करके जानूं तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाए। हाँ जी, इसलिए बाबा के पास दिमाग नहीं रखा उसने, नहीं तो उसका दिमाग खराब हो जाए। जरूरत क्या है मुझे जानने की? जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, नहीं करेगा नहीं पाएगा, मैं क्यों टेंशन पालू? किसी को नहीं मिल रहा, उसने नहीं किया है जी, वही तो अज्ञानता है। तभी तो सर्वव्यापी कर दिया, वो देखता कैसे? सब जगह है तभी तो देख लेता है, वरना मैंने तो कमरे में किया था, उसे क्या पता? दीवारें थी चारों तरफ, दरवाजे भी बंद कर दिए थे, उसे कैसे पता लग गया? वो कहता है वहां भी वो था, तभी तो सर्वव्यापी कहा। सात ताले बंद करके किया, बोले वहां भी वो था, तभी तो सर्वव्यापी कहा उसको। इसी लाइन के कारण तो बेड़ा गर्क हुआ। ईश्वर बड़ा व सतयुग के देवता बड़े, उन देवताओं से बड़े सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। जो इस धरती पर 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, उनसे तो बड़े तीन कौन है? सूक्ष्म वतनवासी देवताएं। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा बड़ा कहेंगे ना, वे है अव्यक्त, वो है ही अव्यक्त। ये तो व्यक्त है, जो नीचे है ये तो व्यक्त है, जो सूक्ष्म वतन वाला है वो है अव्यक्त।
ये जब पावन फरिश्ता बनता है तब ये अव्यक्त फरिश्ता, ये जब संपूर्ण फरिश्ता बनेगा तो ये अव्यक्त बनेगा। कहां है संपूर्ण फरिश्ता का रूप? झाड़ के चित्र में जो ऊपर खड़ा है, नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है, ऊपर खड़ा है, वो है फरिश्ता स्वरूप। कैसे पता लगा कि वो फरिश्ता है? उसके साइड में दिखाया है कमल का फूल, वरना पेड़ में ऊपर जाके कमल का फूल दिखाने की क्या जरूरत थी? जब कमल फूल समान वो पवित्र बन गया तो वो फरिश्ता बना, तब वो विष्णु बना, तब वो कृष्ण बना। इसलिए साइड में क्या दिखा दिया? कृष्ण। युक्ति से दिखाई है चित्र, परंतु समझने वाला पहले चाहिए फिर समझाने वाला, पहले समझे फिर समझा, सोचेगा समझेगा तब तो समझा सकेगा ना। ब्राह्मणों को अभी अलंकार देंगे तो वे अस्त्र शस्त्र शोभेगा। अब ब्राह्मण लेके खड़ा हो जाए सुदर्शन चक्र, गदा, तलवार, क्या शोभेगा? शंकर चक्र गदा पदम, ये चारों अलंकार ब्राह्मणों के हैं, परंतु दे किसको दिए? विष्णु को, बाकियों को तो वैसे दे दिए। इनका अर्थ भी तुम समझ गए हो, सतयुग में लक्ष्मी नारायण को तो अस्त्र शस्त्र नहीं देंगे। लक्ष्मी नारायण के तो हाथ कितने हैं? दो दो, उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। विष्णु के हाथ में है, क्योंकि वो सतयुग में होता नहीं। ये है अभी की बात, वास्तव में ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं, स्थूल हथियारों की बात ही नहीं है। शास्त्रों में तो स्थूल हथियार आदि हैं, पांडव और कौरवों की सेना दिखाई है, परंतु उसमें फीमेल को नहीं दिखाया है। कौरवों पांडवों की लड़ाई हुई, लड़ने वाले सारे पुरुष, औरतें नहीं लड़ती। ये तो नई बात आज देख ली है ना, ये लाइन तो नहीं आ रही है ना पहली बार। पांडवों में कौरवों में लड़ाई हुई, परंतु सारे 18 क्षोणी पुरुष लड़े, औरतें नहीं लड़ी। और अब जो महाभारत युद्ध हो रहा है तो बराबर के लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? पांडव सेना में पुरुष दिखाते हैं, बाकी शक्ति सेना कहां गई? गाते हैं शिव शक्ति सेना, कहां गई वो? ये है गुप्त, कोई को पता ही नहीं ये शिव शक्तियां कहां गई। इनका वृतांत कुछ भी नहीं है, दिखाते हैं शक्तियों ने कैसे लड़ाई की। सेना दिखाते तो है ना, किसको भी समझ में नहीं आता। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया। विजयदशमी पर रावण नहीं दिखाया, बिहार साइड में, बंगाल साइड में जाएंगे वहां विजयदशमी पे किसको जला, किसकी पूजा करते हैं? रावण की नहीं, राम की नहीं है जी? नहीं मेरे भाई, नहीं। विजयदशमी पर दुर्गा की पूजा करते, वो राम की पूजा नहीं करते। वो कहते दुर्गा ने हमें विजय दिलाई, वो राम को जानते नहीं। जिसने जो कुछ बोला सो लिख दिया। यथार्थ रीति अभी तुम जानते हो, हम सब एक्टर्स हैं, हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बाबा जिसको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा तुम सारे ड्रामा के राज को जानते हो। इनमें चार युग हैं अथवा चार भाग हैं, जिसको एपिक, एपिक क्या होता है? युग, अंग्रेजी में एपिक कहा है युग। जैसे एक नाटक को, जैसे रामायण है, इसमें 9 कांड है, 7 कांड हैं, 18 कांड हैं, ठीक है नहीं? हर एक ने अपने अपने हिसाब से लिखा। हाँ, अध्याय कांड, कांड होते हैं भाग, बाल कांड, ठीक है नहीं? और क्या बोलते हैं, शिक्षा कांड है, जो भी अरण्य कांड, सुंदर कांड, ठीक है, कांड है ना। तो पांचवा कांड, पांचवा ये कल्याणकारी युग है।
सतयुग और त्रेता के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि उतराई होती जाती है। सतो प्रधान सतो रजो तमो, ये हैं सीढ़ियां, तो सीढ़ी उतरनी ही पड़ती है। ज्ञान में तुम एक ही बार गैलप करते हो, फिर ऊपर चढ़ी हुई सीढ़ी उतरते ही जाते हो। जौन सी सीढ़ी तक चढ़ गए, वहां से आपने उतरना है। सीढ़ी उतरना बड़ा सहज होता है, चढ़ने में बड़ा मुश्किल होती है। तुम कितनी मेहनत करते हो, मनुष्य से देवता बनना ऊंची चाड़ी है, चाड़ी है ना। और कहते हैं ना कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखना। जानते हो अभी हम चढ़ रहे हैं, फिर गिरते हो तो एकदम चकना चूर हो जाते हो। कितना समय लगता है, ये बहुत लंबी चाड़ी है। अभी तुम चढ़ रहे हो, फिर उतरेंगे, सेकंड लगता है चढ़ने में। पिछाड़ी में आने वाले सेकंड में चढ़ सकते हैं, चाहे लेट आएंगे, चढ़ेंगे सारे एक ही सेकंड। घर सारे की सारी आत्माएं कितनी देर में जाएंगी, एक सेकंड। ना पड़े। अब लाओ, माताओं पर कितने अत्याचार होते हैं, बच्चियां पुकारती हैं बाबा नंगन का होने से बचाओ। ढेर बच्चियां हैं, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, मारते हैं तो उनों के पाप का घड़ा भरता है। मारते हैं, जितने जुल्म करते हैं तो उनों के पाप का घड़ा भरता है, ना कि खून का घड़ा भरता। जब पाप अति पर आता है तभी तो अंत होगा। जो भरकर फूट जाता है, दिखाते हैं ना घड़े से सीता निकली। अभी तुम सच्ची सच्ची सीताएं निकल रही हो, राधे भी निकली तो सीता भी निकली। रघुपति राघव, राजा राम लिखने से सीता का नाम डाल दिया, पतित पावन। जगत अम्बा जगत पिता ही, फिर राज राजेश्वरी राज राजेश्वरी बनते हैं। राज राजेश्वर राज राजेश्वरी बनते हैं। ये लक्ष्मी नारायण थे, फिर अंत में देखो क्या बन जाते हैं। सतयुग में कोई इतने 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे, सतयुग में कोई 33 करोड़ मनुष्य नहीं थे। वो तो कह देते हैं 33 करोड़ देवी देवता, सतयुग में तो मनुष्य ही नहीं थे। 33 करोड़ देवी देवता की बात ही अलग है, वहां तो बहुत थोड़े होते हैं, बाद में वृद्धि होती जाती है। देवी संप्रदाय ही पुनर्जन्म लेते लेते फिर आसुरी संप्रदाय बन जाते हैं। अभी आसुरी संप्रदाय को फिर देवी संप्रदाय बना रहे हैं, कल्प कल्प बनाते हैं। पहली बार नहीं बना रहे हैं, हर 5000 साल बाद बाबा आकर देवी संप्रदाय बनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज आ गई है, तुम हो त्रिका, तुम ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तीनों लोकों की भी नॉलेज तुमको मिलती है। तुम कहेंगे हम पूज्य वैकुंठ नाथ थे, फिर पुजारी नरक के नाथ बने, और ये दोनों कहां हैं, स्वर्ग कहाँ है, इसी धरती पर। नरक भी कहाँ है, इसी धरती पर। उन्होंने स्वर्ग दिखा दिया ऊपर दिलवाड़ा मंदिर में। बाबा कहते ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग इसी धरती पर होता है, नरक भी इसी धरती पर होता। हम सो पूज्य का यथार्थ अर्थ ना जानने के कारण ही उन्होंने आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। कितना फर्क कर दिया है, अभी तुमको समझाया है कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। तुम इस बेहद के चक्र को जान गए हो, तीनों लोकों तीनों कालों को भी तुम जानते हो। ये गुप्त बात बाप पढ़ाते हैं, किसी को पता नहीं है। गीता में कोई ऐसी बातें थोड़े ही हैं, ये नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाएंगे, फिर अपना पार्ट
उसी समय रिपीट करेंगे। क्राइस्ट अपना पार्ट अपने समय पर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। चक्र फिरता रहता है, इस्लामी, बौद्धी फिर अपना पार्ट रिपीट करेंगे। जब एक देवी देवता धर्म रहता है तो और सभी धर्म रहते नहीं। वर्ल्ड तो एक ही है, बाप ने क्रिएटर और क्रिएशन का राज समझाया है। हर एक मनुष्य हद का ब्रह्मा है। हर एक मनुष्य क्या है? हद का ब्रह्मा, रचयिता है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। क्रिएशन को वर्षा मिलता है, जो रचते हैं उनको वर्षा भी देते हैं। रचयिता बाप से, भाई भाई को वर्षा देते हैं। ये कब सुना है क्या? बच्चे समझते हैं एक तो है हद का बाप, वे तो सभी को मालूम है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने से कोई सारे सृष्टि के मालिक थोड़े ही बनते। ये बेहद की बात है। हद वाले सभी उस बेहद बाप को याद करते हैं, उनको कहते ही हैं बाबा, शिव बाबा। क्रिएटर को बाबा कहेंगे ना, सिर्फ बाबा हल्का नाम है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं। वे है निराकार। पूछा जाता है शिव बाबा से तुम्हारा क्या रिश्ता है, तो कहते हैं ना शिव बाबा झोली भर दो। बाबा को शिव नाम एक्यूरेट है। शंकर का चित्र अलग और शिव और शंकर दोनों अलग। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कहना, ये तो बड़ी भारी भूल है। ऊंचे ते ऊंचे बाप को भूल गए हैं। चित्र बहुत अच्छे हैं। ब्रह्मा द्वारा अब स्थापना हो रही है। ज्ञान भी अभी मिलेगा। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण कहाँ से आए? उनको एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा सो ब्राह्मण पैदा हुए। तुम जानते हो अब हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर जरूर डालना है। सिर्फ ब्रह्मा कह देने से, ब्रह्मा नाम तो बहुतों का है, लोगों ने नाम रख दिए। प्रजापिता नाम, ब्रह्मा नाम तो कोई का नहीं होगा। ये तो मनुष्य है ना, रुद्र शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा है, जरूर ब्राह्मण चाहिए। तुम जानते हो ब्राह्मण कैसे होते हैं? यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, फिर क्या बनोगे? देवता बनना है। आना फिर इसी सृष्टि पर है। फिर ये सभी कहाँ जाएंगे? सारे के सारे कहाँ जाएंगे? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाते, चाहे वो ज्ञान सुने चाहे ना सुने, चाहे मिसाइल चलावे चाहे मिसाइल चलाने वाले भी जाएंगे, ना चलाने वाले भी। हाँ, सेकंड तो एक ही है। हाँ, एक सेकंड में, चाहे पुतिन हो तो चाहे वो अमेरिका का महान आत्मा हो। हो रहा है ना अभी? और क्या, यही तो हमने समझ लिया। यही तो इतनी आसान बात है ना, रोजाना एक एक हिसाब बराबर, रोजाना एक एक हिसाब बराबर होता जा रहा है। जिनके साथ हिसाब बराबर होता जाता है वो शरीर छोड़ के चले जाते हमें। हाँ जी, कर रहे हैं वो भी। हाँ, ये तो सबके लिए हो रहा है ना भाई। चाहे वो ज्ञान नहीं सुनने आ रहा, उसने 10 लोगों को दुख दिया हुआ है। एक के साथ आज बराबर हुआ, एक के साथ आज बराबर हुआ, एक के साथ बराबर, जिसके साथ बराबर हो गया खत्म ना, वो चले गए ना। चाहे वो बच्चे के रूप में थे चले गए, बड़े के रूप में थे चले गए, पड़ोसी के रूप में थे चले गए,
चले गए ना, वो है तो ना, अब उन्होंने जाके दूसरी जगह जन्म लिया जहां उनका हिसाब किताब है। अब आपके माता पिता से आपका हिसाब खत्म हो गया ना, गए वहां जाके जिनके साथ हिसाब किताब है पूरा कर रहे हैं, ऐसे ही सब चले जाते हैं। पुरानी दुनिया की आहुति इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में पड़ती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, आसार भी बरोबर देखते हैं। ये हूबहु वही समय है, गाया हुआ है यूरोपवासी यादव कौरव और पांडव। भारतवासी अपने धर्म को ही भूल गए हैं, चित्र भी हैं लेकिन किसको पता नहीं है। देवी देवताओं का राज्य था परंतु उनको ये राज्य किसने दिया? देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई ये बिल्कुल नहीं जानते। जो धर्म स्थापन करते हैं वही समझाते हैं, और कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा ना सके, तीनों लोकों का ज्ञान कोई दे ना सके। सबके पार्ट को तुम समझ गए हो, यह सब फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे, आगे चलकर तुम्हारी महिमा भी बढ़ती जाएगी। वृद्धि जल्दी होनी है तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ड्रामा में पार्ट है, समझते हो कितने बच्चे आएंगे? समझते हो ना कितने सब बच्चों ने आना है ना? वृद्धि को पाते ही रहते हैं, आएंगे भी शिक्षा लेने लिए, बाकी तो ऐसे ही घूमने बहुत आते हैं। जो अपने बच्चे होंगे वो तो आएंगे शिक्षा लेने के लिए, बाकी क्या करने आएंगे? घूमने के लिए। समझो को एजुकेशन मिनिस्टर आदि आते हैं तो उनको भी नॉलेज समझानी है। हमारी है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, सारे कल्प के चक्र को कोई भी जानते नहीं। तुम अब ज्ञान सागर द्वारा मास्टर ज्ञान सागर बने हो। अब कुछ और चाहिए? मास्टर ज्ञान सागर बन गए, अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। सर्व अलंकारों को धारण कर करने के लिए पावन फरिश्ता बनना है, पावन फरिश्ता बनना है। बुद्धिवानों की बुद्धि एक बाप है, उनकी ही श्रीमत पर चल बुद्धिवान बनना है। ये ब्राह्मण जीवन अमूल्य अनमोल है। ये ब्राह्मण जीवन कैसा है? अनमोल है, हीरे जैसा अनमोल। ये है वो ब्राह्मण जीवन, इस नशे में रहे। वो मनुष्य जीवन अनमोल नहीं, परंतु मनुष्यों में ये ब्राह्मण जीवन अनमोल है। इस नशे में रहना है वरदान। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। रंग रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू, कितना रंग लगा लो, पानी गिरते ही उतर जाएगा, परंतु पवित्रता होगी, ब्रह्मचर्य का पालन हो,
होगा तो ये आप पे ही लाल, वैसे ही लाल रहेगा, बोलने की भी जरूरत नहीं, चमक रहेगी, आकर्षण रहेगी, सच्ची सच्ची खुशबू आएगी, क्योंकि अब तो बदबू आती है। कैसे आएगी? ब्राह्मण बनने से सभी में रंग भी आ गया, जो ब्राह्मण बने, जो संपूर्ण पवित्र बने, और रूप भी परिवर्तन हो गया है। पहले लड़ते रहते थे, अब भी लड़ रहे हैं तो ब्राह्मण तो ना कहेंगे, लेकिन खुशबू नंबर वार है। खुशबू तो आई है, वो तो जितनी जितनी जिसने मेहनत की, आकर्षण मुहूर्त बनने के लिए रंग रूप के साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू चाहिए। पवित्रता अर्थात सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन देह के लगाव से भी न्यारा, मन बात के सिवाय और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं जाए, तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कारों में भी ब्रह्मचारी, ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही आकर्षण मुहूर्त बनते हैं। आत्माएं ऐसी खुशबू वाले रूहानी गुलाब ही बनते। श्लोक, यथार्थ सत्य को परख लो तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य क्या है? हम आत्मा, विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।